हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हर्ष। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपके लिए करियर और एजुकेशन बेस्ड वीडियो लेकर आता हूं, तो आप भी अगर करियर, एजुकेशन और एविएशन से रिलेटेड वैकेंसी से अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरीके के अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। तो आज हम बात करेंगे पवन हंस रिक्वायरमेंट के बारे में, जो कि निकली हुई है दिल्ली, देहरादून और चंडीगढ़ में। वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में पवन हंस क्या है। तो पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सर्विस है, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है। मतलब कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, हेलीकॉप्टर के ऑपरेशंस होते हैं, वो पवन हंस के अंडर में ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जम्मू, कटरा, वैष्णो देवी, अंडमान निकोबार और ईस्टर्न जो है पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस हैं वो पवन हंस हेलीकॉप्टर के अंडर में ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। इवन अगर इंडिया के अंदर कोई भी इवैक्यूएशन ऑपरेशन चल रहे होते हैं वो भी पवन हंस के अंडर में ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो इसके अंदर कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं, ये एविएशन के अंदर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कहाँ कहाँ ये निकली है और इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेंसी है एसोसिएट की। एसोसिएट की वैकेंसी के लिए इसका जो लोकेशन है वो दिल्ली के अंदर है। और अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री करके रखी हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास में एविएशन से रिलेटेड 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है, रैंप का एक्सपीरियंस है या एयरपोर्ट से रिलेटेड आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात करें तो 28 ईयर से अगर आप कम हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है इसका जूनियर एसोसिएट। जूनियर एसोसिएट की अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास में अगर कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपने करके रखी हुई है और अगर आपने PCM से ग्रेजुएशन की डिग्री करके रखी हुई है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अगर आपने PCM से नहीं भी करके रखा हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप MS ऑफिस को अच्छे से हैंडल करना जानते हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अगर हम इसके एज क्राइटेरिया की बात करें तो 28 ईयर से पहले पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब फॉर्म फिल करने के टाइम आपकी एज 28 से कम होनी चाहिए। और अगर हम यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास में एविएशन से रिलेटेड मिनिमम 1 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और लास्ट जो वैकेंसी है, लास्ट जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट की। और उसके हम अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास में एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। और अगर आप MS ऑफिस को अच्छे से हैंडल करना जानते हैं तो पवन हंस की तरफ से आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अगर हम यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास में मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने किसी भी फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस मांगा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में एविएशन का 3 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर आप असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास अगर किसी भी फील्ड से रिलेटेड 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर हम यहाँ पे एज की बात करें तो 28 ईयर से अगर आप कम हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कि किस तरीके से इसका सिलेक्शन होगा। तो फॉर्म फिल करने के बाद में रिटन टेस्ट का आपको पास में एक मेल आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, आपको रिटन टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। रिटन टेस्ट के बाद अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हो, क्लियर करते हो, तो आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है सिलेक्शन की वो स्टार्ट होगी। तो अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप पवन हंस की ऑफिशियल वेबसाइट www.pavanhans.com.in पर लॉग इन करके इसके फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ अपने सेल्फ अटेस्टेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट, आपके कास्ट का सर्टिफिकेट, आपके पे आउट जितना भी है उस सारों को सेल्फ अटेस्टेड करके आपको अटैच करने होंगे। इसके साथ साथ में आपको ₹118 का नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट भी ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो पवन हंस रिक्वायरमेंट के बारे में। और अगर आप इसी तरीके की वीडियोस के साथ में अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाइएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।